नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। शाहीन बाग, वैसे तो ये दिल्ली का एक इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका, लेकिन ये नाम इन दिनों देश भर में फेमस हो गया है। वजह है यहाँ CAA के खिलाफ लगा जमावड़ा। पिछले एक महीने से भी ज्यादा वक्त से यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे CAA के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। यहाँ रोज मजमा लगता है, नेता आते हैं, अभिनेता आते हैं और भाषण देकर चले जाते हैं, लेकिन लोग वही हैं, शाहीन बाग के लोग। इनकी मांग है कि CAA वापस लिया जाए, तभी ये यहाँ से हटेंगे। पिछले एक महीने से ये लोग काम धंधा छोड़कर यहाँ बैठे हैं, इसलिए इस पर दूसरे लोग सवाल भी उठा रहे थे कि कोई काम धंधा छोड़कर कैसे यहाँ बैठ सकता है। दूसरा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि लोगों के लिए रोज बिरयानी और मिनरल वाटर, कॉफी, चाय का इंतजाम कौन कर रहा है? क्या इस आंदोलन के पीछे कोई है जो इसको फंड कर रहा है? इन सवालों के बीच अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने इस आंदोलन की पोल खोल दी है। इस वीडियो में एक लड़का ये दावा कर रहा है कि ये आंदोलन कांग्रेस प्रायोजित है और यहाँ बैठने वाली औरतें और पुरुष 500-500 रुपए लेकर आ रहे हैं। तू जाके तो देखता वहाँ पे क्या बीमारी क्या है। एक लाख की दुकान बंद, अरे सारी दुकान, वो मकान मालिक ने किराया माफ कर दिया, कह रहे तुम्हें दुकान चलाने की। एक लाख रुपए जो रोड पे सारी दुकान है, सबका किराया सबका माफ है, 1.5-1.5 लाख रुपए का माफ कर दे। उन्होंने कह रहे जब ये नहीं करा तो पैसे कहाँ से दोगे, छोड़ दो, माफ कर दे मकान मालिक ने किराया। जब हमने दुकान खोले तो किराया बंदे कम्प्लीट होने चाहिए, मतलब कम नहीं होने चाहिए। जो जैसे हजार बंदे की गिनती, अगर हजार के पैसे आए तो वहाँ पे हजार बंदे रहे। जैसे मैं मतलब जैसे कालिंदी कुंज में 100 लेडीज बैठी है, अगर 100 बाद में आएंगी तो 700 रुपए मिलेंगे। नहीं नहीं, पैसे सेम मिलेंगे। जैसे 100 है ना, तो 100 से 99 नहीं होने चाहिए। 100 घर जा रही हो तो उसके जैसे एक गई तो दूसरी रूम की जगह पे आके बैठेंगे। लेकिन बंदे मतलब ऐसा लगना चाहिए कि पूरा लागू हुआ ही, मतलब ये कंटिन्यू चले जा रहा है। जबकि शिफ्ट चेंज हो रहा, बंदे हमेशा अलग अलग, तुम मिलेंगे कभी जाके देखना। बिरयानी खा रहे हैं वहीं पे, बस खाना चल रहा है, चाय बिरयानी सब ये जा रहा है, पैसा जा रहा है उनको। घर पे जाओ, खाना वाना बना करके आ जाओ, जो घर पे ना सो यहाँ बैठो, 500 रुपए ले जाओ, क्या दिक्कत आ रही है। ये कालिंदी कुंज की बात है, बटला उसके जितने बाहर के जो रोड है ना, लेफ्ट वाला राइट वाला मार रखा, पूरा का पूरा वो बंद कर रखा, जो मतलब दिखाने के लिए कर रखा है। रात दिन बैठे पैसा कमा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। एक एक साल के बच्चे को लेके बैठे हैं, पैसे मिलते 500-500 रुपए ने। कांग्रेस का खेल है सर, कांग्रेस का खेल है, कांग्रेस के झंडे लगे हुए। तो सुना आपने, ये लड़का साफ कह रहा है कि दुकानदारों का किराया माफ कर दिया गया है, पैसा दिया जा रहा है, बिरयानी खिलाई जा रही है। अब ऐसे फायदे के सौदे को कौन नकार सकता है? इसलिए ये भीड़ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। 1.5 मिनट की इस वीडियो को बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहा धरना प्रदर्शन असल में कांग्रेस का एक खेल है। यहाँ प्रदर्शन स्थल पर महिलाएं शिफ्ट में आती हैं और उन्हें 500-1200 रुपए दिए जाते हैं। वहीं प्रदर्शन स्थल के बाहर जितनी भी दुकानें हैं उनसे किराया नहीं लिया जा रहा है, जबकि उन दुकानों का किराया 1-1.5 लाख रुपए के बीच है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों की वजह से इलाके की सड़क जाम है और दिल्ली के लोगों को इस रास्ते को छोड़कर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। इसलिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पुलिस और सरकार को निर्देश दिया था कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों को परेशानी ना हो। बता दें इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को सड़क से हटाकर मंगलवार को सड़क खाली करवाई थी और बुधवार को उसे आम लोगों के लिए खोला जाना था, लेकिन फिर लोगों ने इस सड़क पर कब्जा कर लिया और अब फिर पुलिस बुधवार को फिर से शांतिपूर्ण तरीके से इस सड़क को खोलने की कोशिश कर रही है। आपको ये भी बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से ये तमाम महिलाएं दिल्ली के शाहीन बाग में धरने पर बैठी हैं और महिलाओं का ये धरना देश दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ महिलाएं अपने नवजात बच्चों के साथ भी कड़कड़ाती ठंड में धरने पर बैठ रही हैं। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उसने इस धरने की पोल खोल दी है। हालांकि इसके बाद ट्विटर पर दो हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं। पहला है शाहीन बाग
ट्रुथ और दूसरा जिसका जिक्र हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम इस तरह के हैशटैग के समर्थन में नहीं है। महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अगर ये महिलाएं पैसे लेकर धरने पर बैठ रही हैं, तो ये बेहद चिंता का विषय है। सवाल ये भी है कि इनको ये पैसा दे कौन रहा है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे वीके न्यूज़। शुक्रिया।